जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखना। अभी हम लोग खेत का काम खत्म करके घर की ओर आ रहे हैं, मैं, कृष्णा और हमारा मोतिया। तो अभी मोतिया और देखो कैसे थे, उसे आवाज़ लगाई तो आराम से आ जाता है। और घर हमारा पास ही है क्योंकि हम लोग खेत में ही रहते हैं। तो अभी देखो मोता कैसे भागते हुए जा रहा है घर की ओर, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि हमें घर जाना है। तो कृष्णा और मोता कंपटीशन ही लगाते हैं हर बार। और अभी पहुंच भी गए और यहाँ पे हरी हरी मक्का है जो अभी शाम के टाइम हम कट करके डालते हैं ऐसे। तो अभी बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काम से जब हम थके हारे घर में आते हैं ना, तो ये यहाँ पे नीम का पेड़ है तो उसके नीचे ही हम लोगों का, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है और कृष्णा का खेलने का काम शुरू रहता है। और इसमें उसको फ्रेश ताज़ी मकाई दिखाई दी, तो अभी उसे ये निकाल कर हम जब चूल्हा जलाएंगे तो उसमें सेक कर खाएंगे तो बहुत मीठा और अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत ताज़े ताज़ा होता है ना। तो अभी देखो कृष्णा कैसे झपक के ले लिया और चला गया जी के दादी के पास। हम महाराष्ट्रियन लोग दादी को अजी बुलाते और अजब दादाजी को अजोबा, तो उन्हीं के पास लेके गया। अब इसे मैं कट करूँगी फटाफट से और इसे खाने को डाल देंगे हम। और हमारे यहाँ पे गीता और सीता और हौसा और शेरा बैल के नाम है हमारे, और गीता और सीता हमारे गाय के नाम है, आप लोगों को तो पता ही है। अभी उनको हमने डाल दिया है और खाना चारा खाने के बाद हम गीता की मिल्किंग करेंगे। और इसे इस सोमी देखो कैसे झटपटा से करती है, उसे खोलना मतलब बहुत सताती है वो, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब उसे छोड़ने का वक्त आता है तो उसे लगता है मैं ऐसे ही भाग जाऊँ। और अभी देखो कैसे भाग गई, क्योंकि ये प्योर देसी गाय है और ये अभी बहुत कम लोगों के पास रह गए। हमारी इंडियन देसी काउज है ये प्योर। और अभी देखो ये सोमी बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी लग रही है, क्योंकि उसको हम बहुत अच्छा दूध पिलाते हैं और ये बहुत स्ट्रांग भी होते हैं दूसरे गाय से, क्योंकि ये पतली भी दिखाई दे ना, फिर भी वो बड़ी बड़ी हाइब्रिड काउ से बहुत स्ट्रांग होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। ये पहाड़ों पे खुले में चढ़कर चर सकते हैं। और अभी सोमी को अच्छे से दूध पिलाएंगे और बहुत ज़्यादा दूध पिलाते हैं हम, बस दूध थोड़ा ही निकालते हैं, क्योंकि ये गीता ने फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई उसकी और उसका ये फर्स्ट बेबी है, तो हम उसे बहुत लाड़ करते हैं। और कृष्णा की तो बहुत फेवरेट है वो, हमेशा उसके साथ खेलता रहता है। और अभी हमारे दादा ने उसको चारों ओर से फिर घुमा दिया है अभी दूध को, अभी उसे साइड में करके हम मिल्किंग करेंगे। आपको पता है ये जब छोटी थी ना तो फर्स्ट टाइम मिल्किंग हमारे पापा जी ने की थी, हमारे दादा ने, उसका वीडियो है हमारे पास, लेकिन हम लोग शेयर नहीं कर पाए थे। तो किसी दिन आपसे वो भी शेयर करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। और उसमें ये सोमी देखना बहुत छोटी सी लगती है। और अभी देखो अपनी गीता माँ उसके ऊपर कैसे प्यार बरसा रही है, उसे जैसे हम लोगों को बच्चे जब छोटे से करीब आते हैं तो हमें प्यार आता है, उसी तरीके से होता है ये जानवरों का भी। तो अभी फटाफट से मिल्किंग करेंगे और तब तक आप देखो आगे। Thank you.
और आप जब वीडियो देखते हो, कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर भी लाइक भी कर दिया करो। आप भूल जाते हो, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ आपको, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ प्लीज़ राधा को सपोर्ट करना और लाइक ज़रूर करना। और अभी हम मिल्किंग के वीडियोस अपलोड करें या कौन से वीडियो अपलोड करें, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहना। तो अभी हमारे काऊ देखो, बहुत उसके स्तन बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और ये देसी गाय, तो बस अंगूठे से ही खींचना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है हमारे आंगन में, ये घर के आंगन में ही हमारे, तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। और हम लोगों की खटिया भी पास में डाली हुई होती है, तो बहुत अच्छा लगता है जानवरों के बीच रहना। और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी हमने मिल्किंग ख़त्म कर ली है, और अभी इसको हम घर में रखेंगे। और बाद में अभी कृष्णा कुछ बोल रहा था मुझे, तो उससे देखती हूँ क्या बोल रहा था। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।